हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिकाज ब्लूमिंग वर्ल्ड में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए हमारे जो पराठे हैं वो कड़वे ना बने, इसके लिए हम एक बॉल में पानी लेंगे। उसमें आधा चम्मच हम नमक मिक्स करके हमारे मेथी के जो पत्ते हैं उनको उसमें डिप करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि मेथी में जो कड़वाहट है वो यहाँ निकल पे जाए। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं मेथी के पत्तों को पानी में से निकाल लूँगी और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ऊपर से ही पत्तों को निकाल लेना है, ज़्यादा पानी में डिप नहीं करना है। तो यहाँ पे अब हम अपना डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में, मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है गेहूं का, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। और उसमें मैंने ऐड किए हैं मेथी के पत्ते, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया, और फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा पुदीना इसमें डाला था। नमक हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद हम अपने मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैंने अजवाइन यहाँ पे डाली है और अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल डाला हुआ है, आप घी भी इसमें डाल सकते हो। ये सबको हम अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार करेंगे। तो हमें डो जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए जो बनाना है, एक साथ ज़्यादा पानी हम डाल देंगे तो डो जो है वो पतला हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अपना डो तैयार करेंगे। मैंने डो तैयार कर लिया है और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये सूखे ना, और इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपने पराठे जो हैं वो बनाएंगे। यहाँ मैं आपको पराठों को फोल्ड करने का एक नया तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपके पराठे जो हैं वो पापड़ की तरह नहीं बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से आपके जो पराठे हैं वो बन के तैयार होंगे। तो पहले हमने आटे को फैला लेना है, उसके बाद ऐसे कट लगा के इसको हमने 3 लेयर में जो है वो फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बना लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था, और ये देखना भी बहुत अच्छे फूला फूला पराठा जो है वो बन के तैयार होगा, और इसमें लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं, पराठा बिल्कुल भी पापड़ के जैसा तैयार नहीं होता बन के। एक और दूसरे तरीके से मैं आपको पराठा फोल्ड करना बताती हूँ। ऐसे फैला के आटे को हमने थोड़ा सा पहले इसमें ऑयल लगाना है, ऑयल या घी आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, और हमने इसको गोल गोल घुमा के इस तरह से गोल गोल घुमा के इसको फोल्ड कर देना है, ऐसे इस तरह से बना के फोल्ड करके फिर हमने इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसको हमने दबाते हुए फोल्ड करके इसको हमने बना लेना है। तो इस तरह से भी पराठा जो है, मेथी का जो पराठा है वो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है, फ्लफी सा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेयर्ड मेथी पराठे हमारे बनके रेडी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।